मैडम ने कहा हमारे पास सबसे पहले संसाधन नहीं है, संसाधन के साथ में जाकर कलेक्टर मैडम से भी मिलूंगा कि देखिए इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, सरकार पानी बिजली और चिकित्सा पे विशेष ध्यान दे रही है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई भी महकमा हो, अपना अपना स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा मिले, लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई, मेरे वार्ड की ये 60 साल की महिलाएँ यहाँ आई हुई है, बन्नो देवी, इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है 4 से 5 महीने पहले, डॉक्टर मोनिका महेश्वरी ने इनको कोई इंजेक्शन लिखा है, ताकत का है, कोई प्रॉब्लम हुई है, न्यूरोकाइंड गोल्ड करके 2 ml इंजेक्शन, तो उसकी जांच होती है, मानता हूँ मैं, तो हम छोटे से बड़े हो गए और एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी जनता ने चुना है हमें। माता जी ने जैसे ही ये समस्या बताई, मैं हॉस्पिटल आ गया, यहाँ बात की, मैडम ने कहा हमारे पास सबसे पहले संसाधन नहीं है, तो मैंने जोधा सर से बात की, CMHO ऑफिस फ़ोन किया, उनको बताया, उनको सूचना दी कि इस तरह की तकलीफ यहाँ पर आ रही है और समस्या का क्या समाधान है, तो बोले इनको समस्या बतानी चाहिए हमें, हम साधन देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ें ये बता रहे हैं ऐसी चीज़ें, ऑक्सीजन कंसलेटर मेरे घर पे है, न्यूबुलाइजर मेरे घर पे है, तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, जो 6 से 7 वार्डों के बीच में जो डिस्पेंसरी बनी है ये लोगों को सुविधा देने के लिए है, सुविधाओं के लिए नहीं है। यहाँ मरीज बड़ी उम्मीद लेकर आता है, जो बीमार है, जो थका हुआ है, परेशान है, जो सच में गंभीर रूप से घायल है, वही लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, डिस्पेंसरी उपचार के लिए, सेवाओं के लिए, ना कि यहाँ मरीज को परेशानी हुए। इस भीषण गर्मी में भी यहाँ पर करीबन 2-2.5 घंटे ये खड़ी रही है, उसके बाद मेरे को सूचना दी है, तो मैं यहाँ आया हूँ, आज सैटरडे है, मैं मंडे को वापस CMHO ऑफिस जाकर मिलूंगा, कलेक्टर मैडम से भी मिलूंगा कि डिस्पेंसरी, छोटी डिस्पेंसरी में मानता ग्रामीण क्षेत्र में होती, जैसे कोई शहरी चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं छोटे वाले, उनमें नहीं होती मैं मानता हूँ, मगर यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, कम से कम 200-300 लोग यहाँ दैनिक दिखाने आते हैं, अपनी बीमारी दवाइयाँ लेने आते हैं, दिन पे दिन इस डिस्पेंसरी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को सामने करनी पड़ रही है, जिस तरह से गेट का बीच में हमने लेटर दिया था, थोड़े बाद तो 2-4 चैन तो बढ़ा दी थी, वापस इसको सकड़ी कर दी, क्या आप समझिए, कोई गर्भवती महिला, कोई बुजुर्ग, कोई स्ट्रक्चर पर चलने वाला, व्हील चेयर पर चलने वाला मरीज अगर हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल के दरवाजे कभी बंद होते हैं, कभी बंद रहें, मरीज कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, डिस्पेंसरी का फिक्स टाइम है कि 8 से लेकर 2 बजे तक डिस्पेंसरी खुली रहती है, डिस्पेंसरी खुली रहते टाइम में मरीज आकर यहाँ दिखाएगा ही दिखाएगा, मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। मैं CMHO मैडम से भी और जोधा सर से भी निवेदन करूंगा, और मंडे में मैडम के साथ में ये जो महिला है इनके साथ में जाकर कलेक्टर मैडम से भी मिलूंगा कि क्या संसाधन ऐसे रह गए जो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, छोटे छोटे एक इंजेक्शन के लिए अगर जेलन जाना पड़ेगा तो पूरे संभाग का हमारा जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जेलन, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर जेलन जाना पड़ेगा तो इन डिस्पेंसरी हो गए इसी तरह का कोई काम ही नहीं है। नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड 62 से पार्षद। 3 घंटे हो गया अस्पताल में खड़ी हूँ मैं, इंजेक्शन लगा नहीं रहे, परेशान हो रही हूँ मैं, खूब ज़्यादा डॉक्टर ने लिख कर दिया इंजेक्शन लगाओ, ये लगा नहीं रहे 3 घंटा। पुलिस है, पुलिस लेना अस्पताल में, कौन सी दवाई ले रहा है, इंजेक्शन तो भैया ने कहा नहीं, कभी मरता ना मरो, वो ये हार्ट का ऑपरेशन हो गया, 2 वाल डला जी, 2 वाल डला 4 महीना हो गया, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ, क्या कितना टाइम हुआ, 4 महीना नहीं अभी यहाँ आए आप, 3 घंटा हो गया मेरे को, क्या बोल रहे के नहीं लगेगा, यहाँ जाँच नहीं होगी, यहाँ पर कटाई जाओ अस्पताल जाओ, विक्टोरिया जाओ, नाम बन्नो।